सो गाइस, हम गए थे ग्रुप में ऐड होने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, लेकिन लंच हो गया इन टाइम पर, 2 बज रहे हैं। 10 ए भाई, जो बुको का भंडार लगे पड़ा है, बुको का भंडार। ओ माय गॉड, इधर भी इन्होंने ग्राफ ट्राई लिखा। राम राम भाई, सारे भाई है ना। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत आपको मेरे इस नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं हम सारे दोस्त मिलकर पहली बार कॉलेज, क्योंकि हमारे स्कूल 12th तक हो चुका था, हमारी 12th क्लास हो चुकी थी एक साल पहले करीब, तो अभी एक साल से कोई नंबर ही नहीं आया स्कूल का, सॉरी कॉलेज का। तो इस आज हम जाने पता करने के लिए बुक्स के लिए, और थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं होगी उसका पता करने के लिए। तो अभी तो सुबह अभी घंटे डेढ़ घंटे में निकलेंगे, सारे रेडी वेडी हो गए, तो सबको कॉल कर दिया, जैसे वैसे मिलवाते हैं आपको सभी से, और बने रहना पूरे ब्लॉग में और एंड तक जरूर देखना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अपने अमन भाई और ट्विटर भाई चल रहे हैं आगे, और अपन में फूड बहुत रेडी हो गया, अपन चल रहे हैं बड़े सारे ब्लॉग में। राम राम भाई, सारे राम भाई, सारे ना, क्या हाल है? सो गाइस, हम कॉलेज नहीं जा रहे, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं साकेत। साकेत जा रहे हैं बुक्स लेने सेंटर में, का सेंटर है वहाँ किताबें लेने। हम लोगों ने सभी ने एक रूम एडमिशन लिया भाई, आपको बता दें। और क्या बोलते हैं, दूसरी कोई साइट होती है? दूसरी एक अपना क्षेत्र का मौजपुर स्टेशन, स्टेशन जो मैंने बनवाया है, दीपू कार्यकर्ता। तो गाइस, साकेत मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं, और आ चुके हैं हम अपने इग्नू सेंटर पर। इग्नू सेंटर पर मतलब जा रहे हैं अभी रास्ते में। तो ये अपने लौंडे लपाड़े क्या है, मतलब ये कहाँ जा रहे भाई? हम अबे क्या है, उल्टा सीधा अंदर, तेरे को नहीं दिख रहा कहाँ अंदर? गाड़ी में घुसो भाई, क्या हो गया? जिग्नू, इग्नू, ओ पल्ली तरह मुझे बैठने दिया। ओए ओए, नहीं बैठ जा, तू बैठ जा, जा पे बैठ जा सर, मैं इधर बैठ जा। जिग्नू जिग्नू, हम लोग बैठते हैं कहाँ? सेंटर बैठा दो जाने के लिए, मैदान खड़ी टेम्पो में बैठे, टेम्पो में। आज पहली बार यहाँ पहुंचे, और आज ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो यहाँ नहीं है हमारे कॉलेज, यहाँ कॉलेज का वो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर, ये रहा इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। सारे तो खड़े गाइस, ये रहा बोर्ड, और बराबर में लाइन चल रही थी, लाइन में लग गए हैं। वो क्यों टीटू? हाँ, लाइन में क्यों लगे हैं भाई? भाई साहब, बुक के लिए पहले स्टेशन के वो करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जाके लेंगे। अच्छा, बुक लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे। फॉर्म 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 घर में।
अमन तेरा घर? अमन का घर है भाई। अमन रात को इसमें आएगा सोता है, अमन इसमें सोता और इसमें खाता है। रजिस्ट्रेशन हो रहा भाई सामने वहाँ। सो गाइस एंट्री हो चुकी है अपनी फुल, भाई कर रहे हैं मैंने कर दी। गाइस एंट्री और अंदर घुस चुके हैं, देख लो जी ऐसा माहौल है थोड़ा सा सेंटर का। सो गाइस ये जो सेंटर है, सेंटर कम है, मैं तो सोसाइटी ज्यादा लग रही है। सेंटर है ये, क्या है? ये सेंटर ही है। सही कह रहा है। कौन से रूम में जाना भाई? आगे वाले वो नंबर भी अपने वो करवा लेंगे ऐड ग्रुप में। क्या इधर बस बुक लेके और निकलो बाहर निकलो। फालतू की बातें करी तो लात मार के भगा देंगे। जो काम है वो काम करो, इधर खड़े भी नहीं होने दे रहे भाई। क्या काम है भाई? ना खड़ा होने नहीं देंगे तुम्हारे। सो गाइस अंदर घुस चुके हैं सारे के सारे भाई लोग अपने। सो गाइस सभी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं दोबारा से, जो होते हैं किसके लिए? बुक्स के लिए। बुक्स के लिए ये दीपू भाई का बर्थडे हुआ, दिखा दो उसे। ये मेरा है, टीटो भाई भर रहे हैं और मेरा भर गया, तो मैंने पहली भर लिया। अमन घूमो आदमी है, सच तो बोल रहे हैं यार। सो गाइस फिर से आई और आ चुके हैं अपने पर्चे वर्चे लेके, साइन वाइन करवा के अब जा रहे हैं कहाँ पे? स्टोर टू जहाँ से हमारी बुक्स मिलेंगी या वहाँ भी नहीं मिलेंगी? मिलेंगे। सही बोल दिया अगर कभी। क्या कह रहा? वहाँ भी नहीं मिलेंगी भाई। तो घोड़ा देखो। अबे भाई क्या कबाड़ से घोड़ा बना पड़ा। साइकिल की वो लगी हुई है चरखी, सही है जो भी है भाई, बढ़िया लगा। क्यों नहीं? नाइस। जिंगल 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 जंगल बैल जंगल बैल। भाई जगह बुकों का भंडार लगे पड़े, बुकों का भंडार और किताबों का भंडार लगे पड़े हैं। ज्ञान का भंडार खुला है, जितना ले सकते हो ले लो। अभी देखो ट्रक हमारे सामने आया था लोड होकर। मैं निकलना है, साले पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, किताब ले जाएगा फ्री की, रद्दी में बेचे कर देगा। पेन डाल ले। सॉरी। सो गाइस सारी किताबें साथ में मिल गई, पढ़ेगा? एक नहीं मिली भाई, ये ना पढ़े लौंडा। हां जी वैसे मिली भाई किताब? हां भाई मिल गई, ये देख ले रहा। पैसे मिल गए वापस जो थे, पर लॉस हो गए। मुझे एक कब मिलेगी? 15 दिन बाद बहरा है क्या? तू ले आइयो मेरी बहरी। सो गाइस हां गाइस, क्या गाइस? क्या गाइस? क्या गाइस? हां समय निकाल के गाइस 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 क्या था गाइस? दोस्तों हमने अपनी किताबें ले ली है ना, और पीछे जो बुक वाले वो हंस रहे हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहा फोन उठा के। तो भाई किताबें ले लिए, अब निकल रहे घर को। और गाइस यहाँ पर पास में जंगल है। वो टूलूला। ओ भाई फिल्म एक नंबर आएगी अगर रात को यहाँ घूमेंगे तो। पर कमल से कहा गया है कि धीरे चलो। हाँ वाहन धीरे से वाहन वाहन तो है नहीं, सॉरी। गाइस अब जा रहे ब्लॉक 3 में, क्योंकि भाग सब का ग्रुप बनवाना है, भाग सब का और असाइनमेंट्स का पूछना। सो गाइस हम गए थे ग्रुप में ऐड होने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, लेकिन लंच हो गया इन टाइम पर, 2 बज रहे हैं और हम भी भैया भूखे प्यासे हैं, है कि ना? तो पार्क में आके बैठे हैं भैया। किसने बंद कर इसे? कॉपीराइट आ जाएगा भाई, तो पहले डिलीट कर। कॉपीराइट आ जाएगा, जल्दी बंद कर। तो बंद कर 2 मिनट यार। मेरे तो यार ब्लॉक करने का मन कर रहा है। तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं ये कमल भाई हमारे हैं। ये कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यूँ कह रहा हूँ कमल भाई का फोन बहुत होता है। अभी थोड़ी देर के सो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठते हैं, जैसे ओवर होता है उसके बाद जाते हैं दोबारा ऐड होते हैं। और ये माने गाने कॉपीराइट ले आएगा वीडियो में, मना करता हूँ। गाने मत चला, गाने चला गया जबरदस्ती की। अब बंद करो इसको भाई, बस साइकिल बंद करो। और भी ये लोग अमन क्या कर रहा था भाई? देखो चार ही फोन में लगे पड़े, मैं भी और इसका तो फोन मेरे पास ही है। लग रहा देखो मैं फोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अरे गाड़ी है ना उसके ऊपर इतनी सारी टंकी देखो। अरे इतनी सारी टंकी ऊपर क्या कर रही है भाई? कुछ ज्यादा टंकी है भाई साहब, पीछे तक है 3 लाइन है भाई।
सो गाइस ये बात कर रहा है भाई, मैं नहीं रुकूंगा, देख लो। और भैया जा रहे आज ही 2 से ऊपर हो गए, 5 हो गए मेरी गाड़ी तो। अब जा रहे हैं दोबारा से अपील करने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज करवाने। इन्हें ये ब्लॉग बनाते पकड़े गए थे लेकिन सुधरे नहीं दोबारा हम लोगों ने। सो गाइस मेरी मम्मी ने मेरे को गाली दी है। तो गाइस इंक्वायरी करके आए थे ग्रुप मेट तो वही नंबर कह रहे बाद में होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा ये भी है फलाना टैको क्या बोलते हैं उसको टाल कर देना। टाल कर दिया अब जा रहे भैया, चलो बुक तो मिली कहीं। गाड़ी पे भी इग्नू लिखवा रखा लिखा वो जूम करके दिखा वो भाई गाड़ी पे भी इग्नू लिख रखा है लिखा वो इग्नू सेंटर मैदान गड़ी जय श्री श्याम। So guys, मेट्रो स्टेशन पहुंचे। हाँ भाई बोलो। गाइस हम किताब लेकर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे अपने मौजूद क्षेत्र में अपने मौजूद की टिकट लेंगे। तो कहाँ टिकट ले जाएंगे? सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और सोचो कि आप 4-5 घंटे की इतने मतलब भूखे पेट सुबह से शाम तक बाहर रहो और आपको इतना स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो क्या ही मजा आएगा। ये अपनी छोले सब्जी और साग, रोटी और सलाद और ये रही अपनी दही, मज़ा ही आ गया भाई। जल्दी से खाते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा आपसे। सो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं ये पे एंड। ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को नए हो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलेंगे जल्दी नई सी एक वीडियो में। राम राम जी। Thank you.